हेलो गाइस, वेलकम टू प्लान प्रोफेसर। हियर वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एट 80% रूल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग रेफर्स टू द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग द चार्जिंग प्रोसेस व्हेन द बैटरी रीचेस 80% कैपेसिटी रेदर देन वेटिंग फॉर इट टू रीच 100%। हियर आर द पॉइंट दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग 80% बैटरी ऑफ योर इलेक्ट्रिक कार। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ स्पैन। अवॉइडिंग हाई चार्जिंग लेवल अबव 80% रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन द बैटरी सेल विच कैन हेल्प एक्सटेंड देयर लाइफ स्पैन। रिड्यूस वियर एंड टियर। चार्जिंग अप टू 100% कैन कॉज वियर एंड टियर ऑन द बैटरी, वेयर एज स्टॉपिंग एट 80% रिड्यूसेस द नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स। द बेस्ट एग्जांपल इज योर आईफोन बैटरी चार्जिंग। थर्ड पॉइंट इज मिनिमाइज डिग्रेडेशन। कीपिंग द बैटरी चार्ज लेवल बिटवीन 20% एंड 80% कैन हेल्प मिनिमाइज कैपेसिटी लॉस ओवर टाइम। ऑप्टिमाइजिंग चार्जिंग स्पीड। स्टॉपिंग एट 80% अलाउज फॉर फास्टर चार्जिंग एज द लास्ट 20% ऑफन टेक्स लॉन्गेस्ट टू चार्ज। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस रेंज एंड लॉन्गेविटी। द 80% रूल बैलेंसेज द नीड for range with the desire to prolong battery life. However, it is important to note that not all EV manufacturers recommend following the 80% rule. Some company like Tesla suggests charging to 100% regularly as their battery are designed to handle it. So you are recommended that always consult your vehicle owner manual for specific guidance.